गाइस, वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मुनज्जा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं अभी दाल चावल बनाने लगी हूँ लंच के लिए, सो आई थॉट कि मैं आपको भी साथ मतलब आपको भी साथ लेती हूँ और हम बातें वगैरह करेंगे। तो आई थिंक आई एम मूविंग माई हैंड्स टू मच। तो मैंने बहुत सारे टीवी सीरीज देखे हैं, मूवीज़ भी देखी हैं, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करती हूँ। कुछ मतलब न्यूज़ वगैरह में भी चीज़ें हैं, बट अभी मुझे जल्दी से मसाले की चीज़ें काटनी है, दाल निकालनी है, और तो फिर मैं वो सारा करने के बाद आपको दोबारा मिलती हूँ। अच्छा, अब आप थोड़े टेढ़े मेढ़े पड़े होंगे और मैं कुछ सारा नज़र भी नहीं आ रही होंगी आपको, बट वील हैव टू मैनेज लाइक दिस। अच्छा, मैं अभी आपसे कह रही थी कि हम टीवी सीरीज पे बात करेंगे, तो सॉरी, तो मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम जो भी टीवी सीरीज कहते हैं आपने देखी होती है, तो डू यू नॉट डू लाइक एनीथिंग एट होम, आप घर में कोई काम वगैरह नहीं करती। तो आई वॉज टेलिंग देम कि नहीं भाई, मैं घर में बहुत काम करती हूँ, मतलब बहुत भी नहीं लेकिन काफ़ी करती हूँ। मुझे पता नहीं है कि दालें कहाँ पड़ी हैं, तो बट यू नो आई मैनेज बिकॉज इफ यू लाइक समथिंग तो फिर सम हाउ यू मैनेज। हफ्सा, एक मग बनाना है, अम्मी एक मग बनानी है कि ओके नहीं, लेकिन एक ग्लास बनाऊ ना। चलो ठीक है, तो असल में सिर्फ हम तीन लोग हैं घर में, तो आई वॉज आस्किंग माई सिस्टर कि हम कितनी बनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ही बना दी थी, फिर मुझे डांट भी पिटी कि मतलब चीज़ें ज़ाया ना हुआ करें। ज़ाया नहीं होती बिकॉज यूजली देन वी लाइक वट एवर इज़ लेफ्ट हम अपनी वो मेड को दे देते हैं। इतनी ये ठीक है, तो मैं ये वाली दाल बना रही हूँ, आई थिंक इसे मूंग की कहते हैं, मे भी मूंग की कहते हैं, वरना हम इसे पीली वाली दाल कहते हैं, या हमारे घर में हम बचपन में से पानी वाली दाल कहते थे, क्योंकि मेरी अम्मी जब भी कपड़े धोती थी तो शी यूज़ टू लाइक मेक दिस दाल बिकॉज इट वॉज ईजी टू कुक और बहुत ही पतला पतला सा बनाती थी। यार रेड वाली दाल किधर पड़ी है, नहीं मुझे बता दो ना। अच्छा चलें, रेड वाली दाल जो है वो मेरी बहन देगी। अभी मैं फिर मसाले की चीज़ें इकट्ठी करूँ। जब मैं दाल बना रही थी, आई थिंक चूल्हा थोड़ा तेज़ है, लेट मी लाइक मैं इसको आई थिंक एक या दो मिनट ही रखूँगी क्योंकि बहुत आसानी से गल जाती है। तो वेट अ सेकेंड, मुझे लेट मी फिक्स दिस थिंग फर्स्ट। नाउ दैट द कुकर इज़ अ बिट काम डाउन, तो मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ। असल में दाल इतनी शायद तेज़ होता है प्रोसेस इसका कि यू कॉन्ट टेक ब्रेक्स इन बिटवीन कि मैं आपसे बात करूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पकाते हुए आपसे बात कर पाऊँगी, लेकिन इट वेंट यू नो एवरीथिंग वेंट सो क्विकली कि आई कुडंट टॉक टू यू। तो मैंने सोचा कि इस तरह तो फिर वीडियो में कुछ भी नहीं होगा, लाइक अ लिटिल बिट लेटर मे बी खाते हुए मैं आपको साथ वो टीवी सीरीज वाली बात करूँ जो मैंने देखी हैं, मूवीज ही ज़्यादा देखी हैं। बट मैंने सोचा एक जल्दी से मैं आपको क्विक टूर दे देती हूँ अपने किचन का। आई नो माई सिस्टर्स लाइक वॉच ऑल ऑफ माई वीडियोज एंड दे आर गोना किल मी फॉर दिस, क्योंकि स्पेशली मेरी बड़ी बहन कहती है कि हर चीज़ जो है ना वो बहुत साफ करके थोड़ी स्टाइलिशली दिखाया करो, और वो बड़ा मुझ पे हंसती है कि यू नो यू आर टू नेचुरल एंड ऑल दैट, बट आई ऑनेस्टली बिलीव इन नेचुरल। मैं कहती हूँ बस जैसी मैं हूँ वैसी हूँ। तो माय किचन इज़ नॉट सुपर ऑर्गेनाइज राइट नाउ एंड इट्स नॉट लाइक सुपर क्लीन, क्योंकि ऑब्वियसली खाना शाना बन रहा है, और कैबिनेट्स भी बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो मैं थोड़ी थोड़ी ग्लिम्पसेस दूंगी एंड आई नो एज आई सेड माय सिस्टर्स विल किल मी फॉर दिस। अच्छा, किचन के साथ ये टोकरा हमने रखा हुआ है प्याज और आलू वाला, ये पहले बाहर रखा था, फिर ज़रा मुश्किल होती थी, लाना पड़ती थी चीज़ें,
तो फिर जैसे ही एंट्रेंस है तो ये दो फ्रेम्स लगाए हुए हैं, एक पे ट्री है एक पे हैंडपम्प है, फिर ये एक चैनक सी भी लगाई हुई है, ये बेसिकली हमें किसी ने गिफ्ट दी थी। तो फिर ये एक कैबिनेट है यहाँ पे, तो इस कैबिनेट का जो ये नीचे वाला हिस्सा है आप कह लें, ये पोर्शन मैं इसको अपना कहती हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सॉसेस वगैरह मैं रखती हूँ। तो सॉसेस सबसे ज्यादा मैं ही यूज करती हूँ, मैं चाइनीज टाइप खाने ज्यादा बनाती हूँ। फिर ये कैल्शियम की जो टेबलेट्स है ये भी मैं आजकल बहुत ज्यादा ले रही हूँ और इनसे मुझे बहुत फायदा भी हुआ है। बेकिंग पाउडर वगैरह तो मैं इतना नहीं यूज करती, उसके बाद कोको पाउडर वगैरह भी पड़ा है, मेहरान मसाले ज्यादा पड़े हुए हैं, बिरयानी मसाले और चाट मसाला, ये सारा कुछ। इसी तरह किचन टॉवल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है इसमें भी हमने नूडल्स वगैरह सारी रखी होती हैं। ये साइड पे टेपियोका फ्लावर है, राइस फ्लावर है, तलबीना पड़ा है, इसकी बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। ये मेरी बड़ी बहन ने हमें कहा बड़ा अच्छा होता है, हम कोई 5-10 ले आए डब्बे इम्तियाज से, और फिर हमसे एक भी नहीं खाया गया, हम इधर उधर एक दूसरे को देते रहे। फिर इसी ऊपर वाली कैबिनेट के नीचे जो है एक कैबिनेट है, इसमें हमने ये जो कंटेनर से रखे हुए हैं इसमें हम दाल और नहीं दाल नहीं आटा और चावल वगैरह रखते हैं, क्योंकि इसकी जो बोरियां हैं आटे और चावल की वो हमने स्टोर रूम में रखी हुई हैं, तो वो किचन फिर बहुत ही ओवर फिल्ड सा हो जाता है। ये अम्मी ने 7 अप मुझसे छुपा के रखी है क्योंकि मुझे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। फिर साथ ही हमारा कुकिंग रेंज आ जाता है, कुकिंग रेंज जो है बस नाम का ही है क्योंकि हमने कभी भी ये जो इसके नीचे आप आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं अवन वाला पोर्शन है वो यूज नहीं किया, इसको हम एज अ स्टोरेज स्पेस ही यूज करते हैं। आज तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, वरना अक्सर बेसन यहाँ पे रख देते हैं या कोई फ्राइंग पैन हो वो रख देते हैं। अच्छा, फिर ये मैंने दाल चावल के लिए चावल भिगोए हुए हैं, बिरयानी मसाला ये मैंने दाल में डाला था यहाँ पे। फिर ये कुकिंग रेंज के जो लेफ्ट साइड वाला ये हिस्सा आता है, यहाँ पे सारे स्पाइसेस वगैरह पड़े हैं। फिर मैंने सोचा कि कुकिंग रेंज के ऊपर जो इसका आउटर है वो भी आपको दिखा देती हूँ, सिंस इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ टूअर, तो सारी ग्लिम्पसेस दे देती हूँ, दिखा देती हूँ। फिर ऊपर भी हमने एक प्लांट रखा हुआ है, तो ये फिर एक और कैबिनेट है, यहाँ पे सारे और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे जरदा कलर पड़ा हुआ है और ये जो है स्टोव ऑन करने के लिए जो होता है वो है। ये मोरीनागा के कंटेनर हैं लेकिन इसमें हमने दालें वगैरह रखी हुई हैं, ये हमारी नीस के इतने आते हैं ना डब्बे मोरीनागा के, तो वो हम यूज करते हैं। फिर ऊपर भी कस्टर्ड बॉक्सेस वगैरह, कोई इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनाइज चीजें नहीं है कि मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली यहाँ दालें हैं ये है, बस सब कुछ कंटेनर्स में डाल के हम ऊपर रख देते हैं। ऑनेस्टली ना इतना टाइम होता है ना इतनी हिम्मत होती है। फिर यहाँ पे ये जो स्टोव के साथ लेफ्ट हैंड वाली जगह है, यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह रखी हुई है, देगचे सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देते हैं, वो देगचे जो रोज यूज होते हैं। फिर इसी के नीचे एक ये वाला कैबिनेट है, इसमें हमने वो देगचे रखे हुए हैं जो दावतों पे चाहिए होते हैं, जैसे बड़े देगचे होते हैं, और इसी तरह के वो बर्तन जो इतने यूज नहीं होते डेली यूज के वो रखे हुए हैं, तेल सर पे लगाने वाला। फिर ऊपर ये देखें छोटी छोटी सी डेकोरेशन की चीजें भी हमने रखी हुई हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है, अभी हमने इसको और डेकोरेट इंशाल्लाह करेंगे विद टाइम। फिर ये दो कैबिनेट्स हैं, इसमें हमने सारे बड़े वाले शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं, ये एक हमारे पास वो आपको जो बड़ा सा कंटेनर काइंड ऑफ नजर आ रहा था ब्लू वाला, उसमें आबे जमजम है, यहाँ पे सारे वो सर्फ और ये सारा कुछ पड़ा होता है, तेल जो पकाने वाला तेल है उसके डब्बे। फिर ये भी एक प्यारा सा हिरन का, ये हमारे बिल्कुल बचपन की ये डेकोरेशन आपको मैंने दिखाई है। फिर यहाँ पे एक छोटा टेबल पड़ा है जिसके ऊपर हॉट पॉट वगैरह है, तो ये हमारी आज की दाल पकी हुई है जो अच्छी मुझे लग रही है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सैलेड बनाया, और मैंने इतना ज्यादा सैलेड नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया, फिर मैंने कहा कि अगर सबने ज्यादा खाना है फिर ये लोग खुद बनाएं, क्योंकि मैं दाल चावल बना के बहुत थक गई थी, और फिर ये मैं धूप पे बैठ के सर्दियों का खाना खाया, क्योंकि मुझे ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ना रोशनी में। फिर यहाँ पे ये मतलब मेरी बहन कहती है ये क्लिप हटा दो, बड़ी तुम ऐसे बहुत ही देसी सी लग रही हो, बट आई डोंट माइंड लुकिंग यू नो द वे आई एक्चुअली आई एम। फिर हमने खूब बड़ा इंजॉय किया यहाँ पे धूप पे खा के, और जो भी सारी कैचअप करना होता है पुरानी बातें या कोई भी इनकी फ्रेंड्स वगैरह की बातें वो सारी की। और आजकल तो खैर इतनी सर्दियां हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा ही धूप इन्जॉय करें, कभी कभी ये धूप ही बड़ी मतलब पिंचिंग सी हो जाती है, बट आई वॉज इन्जॉइंग द स्पाइसी दाल। और फिर थोड़े सा ही क्लिप बनाया, और आई होप कि आप लोग इससे रिलेट कर सकें, आई डोंट नो आप लोग ये इन्जॉय करते हैं छत पे बैठ के घर वालों के साथ खाना वगैरह या नहीं, बट वी डू इट अ लॉट। दोपहर में मैंने आपसे प्रॉमिसेस तो बहुत किए थे कि आई टॉक अबाउट लाइक टीवी सीरीज एंड मूवीज एंड व्हाट नॉट,
लेकिन फिर जब मैंने खाना बनाया तो आई थॉट कि मैं अपने रूम में बैठ के आपसे बातें करूंगी, बट देन आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, और छत पे धूप में खाना खाने का अपना ही मजा है, गप्पे शप्पे लगाते हुए, तो मैंने वो किया। फिर मैं वापस आई तो एक्चुअली कल रात मेरी नींद नहीं अच्छी से पूरी हुई थी, तो मैं आके लेट गई, आई डेंट स्लीप, बट यू नो मुझे लेट के मजा आ रहा था जस्ट टू लाइक रिलैक्स अ बिट, क्योंकि मुझे दोपहर को ऐसा इतनी अच्छी नींद आती भी नहीं है। तो मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करती रही और बस इस तरह से। तो अभी मुझे डिसाइड करना है कि कल मैं क्या पहनूं, और एक प्रॉब्लम भी है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। वेट, तो ये मेरे मेकअप ब्रशेज हैं जो मैंने धोए थे आज सुबह, आई गेस धोए थे, लेकिन या मे बी कल शाम को धोए थे, आई डोंट रिमेम्बर। मैं वीक में ना एक दफ़ा धो लेती हूँ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये सूख नहीं रहे और सूखे नहीं हैं, ड्राई नहीं हुए, तो मैंने कल मेकअप सुबह सुबह करना है क्योंकि कल मैंने वर्क प्लेस पर जाना है, तो आई एम थिंकिंग टू ब्लो ड्राई देम। तो और उसके अलावा मैंने अभी असाइनमेंट्स भी चेक करनी है, काफ़ी काम रहता है, और मुझे नींद भी आ रही है क्योंकि कल आई कुडंट स्लीप वेल। और अभी मैंने खाए थे वो चिप्स बना के जो मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले दिखाया भी होगा। तो फिर मैं वॉक करने चली गई क्योंकि आई थॉट कि इतनी लेट मैंने चिप्स खाए हैं तो इट्स नॉट गुड कि मैं जाके बैठ के काम करना शुरू हो जाऊं। तो आई वॉकड क्वाइट अ लॉट एंड आई फील रियली गुड, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी सी आ गई, एक्टिव सी हो गई हूँ। तो चले पहले कपड़े डिसाइड करते हैं, फिर मे बी आई ब्लो ड्राई माई ब्रशेज, आई होप कि मेरे ब्रशेज उससे ख़राब ना हो कल के लिए। अब आई डोंट हैव लाइक अ प्लेन स्पेस कि मैं आपको शो करूँ, बट आई वॉन्ट टू वेयर दिस शर्ट, आई डोंट नो इफ यू कैन सी क्लियरली और नॉट, लेकिन ये शर्ट मैं पहनना चाह रही हूँ। लेट मी शो यू, लाइक इट्स वेरी बैगी सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो हाउ टू शो यू गाइज, वेट मे बी हेयर। तो ये वाली शर्ट है, ठीक है, आई होप थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई हो, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ जीन्स कौन सी पहनूँ। मे बी लाइक आई हैव लाइक दिस ब्लैक जीन्स, आजकल ना स्किनी जीन्स का फैशन नहीं है, सो आई हैव दिस ऑप्शन टू वेयर दिस ब्लैक जीन्स, आई डोंट नो दिस वन, और आई हैव दिस लाइक लाइट ब्लू वन, वेट अ सेकेंड, दिस वन, लेट मी लाइक डू दिस, आई गेस दिस वन लुक्स बेटर। ये अच्छी लग रही है, चलिए ब्लैक वाली दोबारा रख के देखती हूँ। अच्छा जी, अभी तक मैं अपने कपड़ों के ही झंझट में पड़ी हुई हूँ। आई एम डिसाइडिंग कि इफ़ आई वेयर अ कोट सो शुड आई वेयर दिस वन, या मैं आपको एक और दिखाती हूँ जो एक और भी मेरे पास है। यहाँ पे ये लुक कितनी नज़र आ रही हो, बट ये ब्लैक कोट भी मेरा बड़ा ही फेवरेट है, और ये इस तरह ब्लू के साथ बड़ा अच्छा लगता है। सो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, आई गेस आई शुड गो दिस, मे बी विद दिस वन, आई डोंट नो। ओके गाइस, सो मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, और वेट अ सेकेंड, आई डोंट नो आप मुझे सही तरह देख पा रहे हैं या नहीं, लेट मी लाइक ट्राई टू फिक्स दिस। सो मैं एक फेस मास्क लगाने लगी हूँ क्योंकि आज वीकेंड ख़त्म हो जाएगा और फिर कल से वर्क प्लेस जाना है, तो आई वॉज थिंकिंग। और ये जो मेरा फेस मास्क है ना, ऑनेस्टली आई कैन स्वेयर बाय इट, ये इतना अच्छा फेस मास्क है, ये मैंने पहले भी कहीं बताया भी हुआ है अपने ब्लॉग पे, नॉट ब्लॉग पे, और किसी ब्लॉग में लगाया भी होगा। तो ये क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ राइस फ्लावर, जो स्टोर बॉट राइस फ्लावर है, घर में नहीं बनाने, उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, मैंने वो ट्राई किया हुआ है। तो आपने स्टोर बॉट राइस फ्लावर लेना है, फिर स्टोर बॉट मैदा लेना है, ऑब्वियसली स्टोर बॉट ही होगा, मैं इसको उंगली से लगाती हूँ, उस तरह अच्छा लगेगा। तो खैर, आपने वो मैदा लेना है, राइस फ्लावर लेना है, इक्वल अमाउंट उसकी आपने लेनी है, और ये मैंने ज़रा पतला ही बना दिया, और आपने दूध के साथ उसे मिक्स करना है थिक सा, ये मेरा फिर भी थोड़ा पतला है, इसको इतना पतला नहीं होना चाहिए, और आपने बहुत थिक लेयर अपने फेस पे लगा लेनी है, और एट गुड 20 to 25 मिनट्स को लगे रहने देना। ये ऑनेस्टली मास्क जो है ना, आई कैन स्वेयर बाय इट कि इतना अच्छा होता है, इससे इतना आपका रंग निखर जाएगा, आपका इवन, अल्लाह मेरे कपड़ों पे ना गिरे, आपका इवन कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी मैं इतने डिस्गस्टिंग तरीके से लगा रही हूँ, लेकिन आई डोंट हैव अ चॉइस। तो अभी मैं एक ड्रामा देख के आ रही थी, तो हम एक दिन ना, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास में ही बात करी थी कि पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो इतने टॉक्सिक हैं, इतने शदीद, और उनके मैसेजेस जो हैं वो इतने टॉक्सिक हैं। आई मीन आप कह रहे होंगे मैं फिर भी देखती क्यों, मैं देखती इसलिए हूँ क्योंकि 7 to 9 रोज़ जो है ना, 7 से 9 बजे तक, आई ट्राई टू गिव दैट टाइम टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स,
तो वो सब ड्रामा देख रहे होते हैं, फिर हाउ आई स्पेंड टाइम विद देम इज टू वॉच टीवी विद देम, और मेरी अम्मी वो सारे ड्रामास देखती हैं। तभी मैं एक ड्रामा देख रही थी, उसका नाम था बद्दुआ, उसमें मुनीब भट्ट था, और इतना वो इंतहाई जहालत से भरा हुआ ड्रामा। मैं आपसे बात कर रही थी तब मेरा मतलब वो मेमोरी फुल हो गई थी मेरे कैमरा की, तो मैं आपसे उस टाइम बात कर रही थी कि मैंने एक पाकिस्तानी ड्रामा देखा था, तो वो जो ड्रामा है ना बद्दुआ, वो इतना सिली है और उसमें इतने टॉक्सिक डायलॉग्स हैं कि उसमें एक सख्त सा बंदा दिखाया है जो अपनी बेटियों और अपनी वाइफ पे इतनी सख्ती करता है। तो फिर उसमें वाइफ कह रही होती है कि अगर मैं आपकी सख्तियों की पाबंद रहती तो इस घर के ये हालात ना होते कि पता नहीं क्या। सो बेसिकली पाकिस्तानी ड्रामाज में जब भी दिखाते हैं ना कि लड़की कॉन्फिडेंट है एंड लाइक शी वांट्स मोर फ्रॉम लाइफ, तो उसको बुरी लड़की दिखाया जाता है, और जो लड़की घर में यस यस टाइप होती है, उसमें दो बहनें दिखाई हैं जो बहुत यस यस कहने वाली होती है, हु डजन वॉन्ट अलॉट फ्रॉम लाइफ, उसको अच्छा दिखाया हुआ है कि वो जी बड़ी इज्जत की पासदार की क्या है। तो बड़ा ही शदीद किस्म का टिपिकल पाकिस्तानी टॉक्सिक ड्रामा है। तो खैर हम जितनी भी बात कर लें, आई डोंट थिंक सो इट विल मेक एनी डिफरेंस। मैं बाय द वे ये वाला सीरम लगा रही हूँ जो रिवाइवल नेचुरल का है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हाँ, मैं आपको असल में तो जो हम सुबह से डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो यही है कि जो मैंने टीवी सीरीज़ देखी, यानी जो भी नेटफ्लिक्स कंटेंट मैं देख रही हूँ आजकल। वैसे मैं आपको शायद सुबह भी बताती थी, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप घर में कुछ करती नहीं हैं, तो मैं घर में बहुत कुछ करती हूँ, बट आई मैनेज टू वॉच लाइक नेटफ्लिक्स बिकॉज आई लव नेटफ्लिक्स। तो मैंने एक मूवी बहुत ही ज़बरदस्त देखी, एरन ब्रॉकोविच, वो बहुत ज़बरदस्त है। उस वो जूलिया रॉबर्ट्स की थोड़ी पुरानी मूवी है, तो उसमें भी वेट अ सेकेंड, हाँ तो उसमें भी ये दिखाते हैं, उसमें भी नहीं, वो एक औरत के बारे में, बड़ी पॉश स्टाइलिश औरत जो कि लॉ उसने नहीं पढ़ा होता, एंड हाउ शी बिकम्स अ वेरी सक्सेसफुल असिस्टेंट टू अ लॉयर। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। फिर उसके अलावा आजकल मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यू सीरीज़ देखना शुरू की हैं, विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स, और किसी इशू को उन्होंने रियल लाइफ इशू को या इवेंट को उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई होती है। तो एक मैंने देखी द स्टेयर केस, वो एक राइटर के ऊपर बनी हुई है, कोई 13-14 साल के स्पैन पे बनी हुई है, और डॉक्यू सीरीज़। और इतना मुझे ये चीज़ भी इम्प्रेस करती है हॉलीवुड की, किस तरह वो 14-14, 17-17 साल पे बेस्ड डॉक्यू सीरीज़ बनाते हैं। तो खैर वो स्टेयर केस जो है एक राइटर की है स्टोरी, जो कि जिसकी वाइफ जो है स्टेयर से गिर के उसकी डेथ हो जाती है, और राइटर के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि उसने मर्डर किया अपनी वाइफ का। फिर वो 8 ईयर्स बेचारा प्रिजन में भी गुजारता है, और कभी भी ये कंफर्म नहीं हो पाता कि वो मर्डर है या ये एक्सीडेंटल डेथ थी। तो मैंने एक वो डॉक्यू सीरीज़ देखी, एक मैंने आई थिंक स्पेनिश है वो देखी, जिसमें एक वाइफ होती है वो अपने चीटिंग हस्बैंड का मर्डर कर देती है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। और फिर मैंने एक मूवी भी मैंने देखी, एक मूवी थी ग्लास कैसल आई थिंक थी इस तरह से, वो भी बहुत मज़े की थी, फादर और किड्स रिलेशनशिप पे थी, तो बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह और एक मैंने टीवी सीरीज़ देखी, आई थिंक आयरिश है वो, मार्चेला, वो भी बहुत मज़े की नहीं है, बट इट्स लाइक अ टिपिकल स्पाई और व्हाट यू कॉल लाइक पुलिस वर्सेस द बैड गाइज काइंड ऑफ मूवी, नॉट मूवी लाइक टीवी सीरीज़, सो इट वॉज़ गुड। बट मुझे मैं आजकल ना ज़्यादातर डॉक्यू सीरीज़ देख रही हूँ, आई एम इन्जॉइंग दोज थिंग्स मोर। सो या दिस इज़ लाइक आई वॉच लॉट ऑफ अदर स्टफ, मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी। तो मैंने अपना सीरम लगा लिया है, अपना लोशन लगा लिया है, एंड नाउ आई एम गोना टेक लाइक माई मेडिसिन, देर इज़ वन मेडिसिन आई नीड टू टेक, और फिर मैंने बहुत कुछ करना था, एडिटिंग भी करनी थी, तो वो तो अब मैं नहीं करूँगी, लेकिन मुझे कुछ असाइनमेंट्स चेक करने हैं, वो जल्दी से चेक करके देन आई एम गोना स्लीप। सो बाय, सी यू।